नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और मैं आज आपको जिस क्षेत्र में लेकर आया हूँ, इसे पूरे क्षेत्र को कहते हैं शूकर क्षेत्र, पशका क्षेत्र। इस क्षेत्र से कुछ ही दूर पर राजापुर ग्राम में तुलसीदास का जन्म होता है और वहीं से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा क्षेत्र है जिसे शूकर क्षेत्र कहते हैं। आखिर में इस पूरे क्षेत्र को शूकर क्षेत्र कहते क्यों हैं, क्या विशेषताएँ हैं इसकी? तो प्रजापति दक्ष जो होते हैं उनकी एक पुत्री होती है अति। अति एक बार कामुक हो जाती और अपने पति के साथ सहवास करती। चूंकि वो समय सही नहीं होता है इसलिए उनके 2 उदंड पुत्र होते हैं। जब वो पंडितों से दिखवाती हैं तो पता चलता है कि ये दोनों उदंड पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे। उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी होती है और दुख भी, चूंकि उन्हें अपने बातों का अपने पापों का प्रायश्चित रहता है। तो उनको एक आशीर्वाद तौर पे ये भी मिलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो नाती होगा वो काफ़ी यशस्वी होगा। तो कहा जाता है जो ध्रुव थे और राजा बलि थे वो उन्हीं के खानदान में आए थे। तो उनके पुत्र हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु को अपना 3रा अवतार लेना पड़ता है जिसको शूकर अवतार या वराह अवतार कहते हैं। कहा जाता है कि हिरणाक्ष उदंडतावश पृथ्वी को ले जाकर पानी के गोते में डुबो देता है, पूरा त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है, पूरी पृथ्वी एकदम सब लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। भगवान ब्रह्मा के नाक से एक छोटा सा सूअर के जैसा एक आदमी जन्म लेता है, उनके छींक से बाहर निकलता है और कुछ ही क्षणों में वो विशाल हाथी जैसा हो जाता है। उसके उपरांत हिरणाक्ष को मारने के लिए वो शूकर आता है और हिरणाक्ष का वध करता है। जो हिरणाक्ष का वध होता है वो इसी क्षेत्र विशेष में होता है और जो शूकर का जन्म स्थान होता है वो भी यही क्षेत्र विशेष होता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को शूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये मंदिर आपको आज दिख रहा है, इस मंदिर का प्राचीनतम निर्माण जो था वो विक्रमादित्य ने कराया। अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग लोगों ने मंदिरों का निर्माण कराया और अलग अलग समय में वो ध्वस्त भी होता गया। लेकिन कारण ये कि चूंकि भूमि देवत्व थी और यहाँ के लोग भी उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे, इसलिए फिर यहाँ का विकास होता गया। हमेशा सभ्यताएं बनी, हमेशा सभ्यताएं उजड़ी और लेकिन फिर भी आज ये शहर, आज ये छोटा सा कस्बा यहाँ बसा हुआ है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, चूँकि ये नई मंदिर का निर्माण तो बाद में के शताब्दियों में अभी कुछ वर्षों पहले हुआ है, लेकिन यहाँ जो प्राचीन मंदिर था या जो प्राचीन था वो विक्रमादित्य के समय का था। अलग अलग राजाओं ने भी निर्माण कराया। तो ये पूरा स्थान शूकर क्षेत्र है, पशका शूकर क्षेत्र, जो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और भगवान विष्णु के 3रे अवतार के रूप में इसे प्रसिद्धि प्राप्त है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए देवस्थान के साथ, एक नई अविस्मरणीय भूमि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।